प्राचीन शिवमंदिराच्या प्रांगणात गुलाबराव करंजुले प्रतिष्ठान यांच्या पुढाकाराने भाजपचे अध्यक्ष अभिजित करंजुले आणि युवा नेते विश्वजित करंजुले यांच्या वतीने 3 दिवसीय हनुमान कथा आयोजित करण्यात आली होती। या कार्यक्रमाच्या समारोप समारंभ प्रसंगी अभिजित करंजुले यांच्या भाषणाची चर्चा सर्वत्रच रंगू लागली। करंजुले यांच्या भाषणाला भाविकांसह खुद्द बागेश्वर महाराज यांनी देखील दाद दिली। नेमके अभिजित करंजुले पाटील यांनी आपल्या भाषणात कोणते मुद्दे उपस्थित केले हे जाणून घेऊयात। भारत माता की, भारत माता की, आवाज दूर दूर तक जाना चाहिए। हर एक धर्म विरोधी के कान थर थर कांपने चाहिए। भारत माता की, वंदे वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय भवानी, जय शिवाजी। अरे एक ही नारा एक ही नाम, अरे एक ही नारा एक ही नाम। सबसे पहले मैं धर्म रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करता हूं। वैसे जिन जिन धर्मवीरों के वजह से आज सनातन धर्म का डंका सारे विश्व में बजा है, वे सारे विश्व सारे वीरों को मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं। आज अंबरनाथ में शिव मंदिर के पावन भूमि पर बागेश्वर महाराज के शुभ स्पर्शों से हम सारे अंबरनाथ कर धन्य हो गए हैं। सच में तो ये महाराज की बड़प्पन है। महाराज ने अनेक बार कहा ये सारा कुछ अभिजीत ने किया है, उसके परिवार ने किया है, परंतु हम तो सिर्फ महाराज के एक सैनिक है। और आज आप सबके सामने मैं कहता हूं, महाराज ये सैनिक आपके साथ मरते दम तक होगा। मेरे खून का एक एक बूंद ये आज से महाराज जी के लिए समर्पित है, हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित है। अखंड हिंदू भारत की, अखंड हिंदू भारत की। आज हमें सभी को पता है ये सारा विश्व सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ लगा पड़ा है। कहीं लोगों को पैसे दिए जाते हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए, कहीं लोगों को दुबई जैसे जगह पर नौकरी देने के नाम पर धर्म परिवर्तन किया जाता है। और ऐसे ऐसे हालात में जो एक धर्म योद्धा श्री बागेश्वर महाराज इन सब के खिलाफ जब उठते हैं, आवाज करते हैं, ये चद्दर और कैंडल से चलने वाली जो संगठन है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, वो वहां पे आती है और वहां पे जब सनातन हिंदू धर्म का काम वहां पे दिखता है, जब वहां पे बड़े पैमानों पे धर्म वापसी दिखती है, तभी ही इनको वहां पे अंधश्रद्धा दिखती है। सारे विश्व में कैंडल और चद्दर के नाम पे जो लोगों को उल्लू बनाया जाता है, वहां पे ये सनातन ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले जाते नहीं। जब जब कोई सनातन धर्मवीर वहां पे आता है और इनके खिलाफ आवाज उठाता है, तभी इनके बंद दुकानें खुले हो जाते हैं। महाराज जी सच में तो यहां पे उपस्थित सारे मेरे सनातन धर्म उपासक भाइयों बहनों के
तरफ से मैं आपका ऋणी हूं कि आपने हमको समय दिया, आपके माध्यम से हमें एक नई ऊर्जा यहाँ पे प्रदान होगी, आपके माध्यम से हमें जीवन को एक नया रास्ता मिलेगा, आपके माध्यम से हमें दो हाथ करने की ताकत भी यहाँ पे मिली है। हम जो काठी सनातन धर्म का ध्वज लहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हमें दूसरी तरफ से भी वापर करना आता है उसका। भाई और बहनों, सच में तो इस कार्यक्रम को शोभा देने वाले आप हो, मैं आपका भी ऋणी हूं कि आप यहाँ पर आए, एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे धर्म का काम हुआ। महाराज जी, मैं हमेशा कहता हूं सनातन धर्म का विस्तार का कार्य नहीं हो रहा है, सनातन धर्म का रक्षण का कार्य हुआ हो रहा है। आज सारा विश्व हमारे पीछे पड़ा है, परंतु बागेश्वर महाराज जैसे वीरों के माध्यम से हम डंके की चोट पे कहेंगे कि अब धर्म का प्रसार भी होना चालू हो गया है। यहाँ पे कोई अभिजीत भाई नहीं होता, एक ही होता है, भारत माता की जय, और जय 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 जय, एक ही नारा एक ही नाम। मैंने महाराज जी को कल ही कहा है अंबरनाथ से, महाराज जी हम 2000 भाविक बागेश्वर धाम आना चाहते हैं, आप हमें उसकी एक समय दीजिए, आपका समय काफी मूल्यवान होता है, आपका एक एक क्षण ये सनातन धर्म के रक्षण के लिए वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। हमें सच में गर्व है कि हमारे सनातन धर्म का योद्धा ऐसे कैसा। सच में तो इस कार्यक्रम में करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए सारे यहाँ पे स्वयं सेवक है, पुलिस प्रशासन है, अंबरनाथ नगर पालिका है, भले वो सरकारी यंत्रणा है, वो सामने आके बोल नहीं सकती, परंतु जब ही जब उन तक ये निरोप गया, ये एक मैसेज गया कि बागेश्वर धाम अंबरनाथ में पधार रहे हैं, मुझे ऐसे करती थी, बहुत बड़ी बात है, आने चाहिए। मतलब उनकी जो बंद आवाज था वो भी आज दिखा रहा है कि अभी पुलिस प्रशासन को कोई पार्टियां करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार कहती नहीं है, अभी उनको कहा जाता है कि न्याय देना चाहिए लोगों को, इस दिशा से काम किया जाता है। मैं सच में पुलिस प्रशासन का यहाँ पे काफी आभारी हूँ कि उन्होंने खूब यहाँ पे सहकार्य किया। अब यहाँ पे एक बड़े पैमाने पे जन समुदाय यहाँ पे आया, वॉलेंटियर्स होते ही, परंतु पुलिस के माध्यम से ये सारा चीज संभालना हैंडल करना इजी नहीं था, उन्होंने काफी यहाँ पे हमको मदद की। मैं आपका भी धन्यवाद हूँ, आपको मैं ऋणी हूँ। वापस एक बार मैं जाते जाते आपको कहना चाहूंगा, ये तो काफी बड़े पैमाने पे हुआ है, परंतु जब जब हमारे घर पे जन्मदिन होते हैं, हमारे शादी का सालगिरह होता है, हम क्या करते हैं, जाते कोई तो होटल में जाते हैं, पार्टियां देते हैं लोगों को, अब से ये सब बंद कर देना चाहिए। हमको ऐसे सुनाई देना चाहिए कि आज मेरा जन्मदिन है और भगवत कथा का पठन वहां पे रखा गया है, मुझे ऐसा सुनाई देना चाहिए कि आज मेरा शादी की सालगिरह है और हनुमान कथन का वहां पे आयोजन किया गया है, और जब ये दिन आएंगे समझ लेना, क्या समझ लेना, सनातन हिंदू राष्ट्र बन गया। और जब जब महाराज जैसे धर्म योद्धा होंगे तब तब हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम बीजेपी में कहते हैं महाराज जी, इस भारत में एक चाय वाला है, एक गाय वाला है, और अब से हम कहेंगे उनको ही जोड़ में हमारा एक धर्मवीर भी है।
और जब जब इस भारत के सबूत जीवंत है तब तब हमको किसी माइके लाल से डरने की जरूरत नहीं है। मैं वापस एक बार जाते जाते आपको सबको धन्यवाद कहता हूँ, सारे पत्रकार बांधवों को धन्यवाद देता हूँ। राज्य सरकार के माध्यम से काफी अच्छा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे शिव मंदिर के परिसर में लाया गया है। अंबरनाथ को टेंपल सिटी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार उनके ही साथ हमारे खासदार हमारे सांसद श्रीकांत जी शिंदे साहब काफी यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं सभी यहाँ पे भावी के तरफ से भी उनको धन्यवाद देता हूँ। वापस एक बार मैं मेरे दो शब्द को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।